हाय, मैं सीमा सांगवान। आपका स्वागत है मेरे किचन में, जिसका नाम है सीमा सांगवान। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ शाही पनीर, और इसे बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले गैस ऑन करके मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई रखी है। अब हम इसमें डालेंगे तेल, लगभग एक बड़ी चम्मच। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे जीरा। जीरे को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए, जीरे का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी एक मिनट के लिए मीडियम गैस पे भून लेंगे। और ये देखिए, हमारे अदरक लहसुन भून गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को मैंने अच्छे से धो के उसे पीसेज में काट लिया है। प्याज यहाँ पे मैंने 5-6 लिए हैं। प्याज का कलर चेंज होने लग गया है और हमारे प्याज भुन गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पे 4-5 लिए हैं। अब हम इन दोनों को 2-3 मिनट तक और भूनेंगे, ताकि प्याज टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तेल नमक यहाँ पे पहले मैं इसलिए डाल रही हूँ, ताकि प्याज टमाटर जल्दी भून जाए। तो ये देखिए, हमारे प्याज टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और इनको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे ढक्कन लगा के 5-6 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए, प्याज टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसे 2-3 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम दोबारा गैस ऑन करके कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पे वही कढ़ाई यूज की है, आप चाहे तो दूसरी कढ़ाई का यूज कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे प्याज टमाटर का पेस्ट जो हमने बना के तैयार किया है, और इसमें लगभग 1 गिलास पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। आपको ग्रेवी कैसी रखनी है उसी हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। अब इसे 2 मिनट तक और पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर यहाँ पे मैंने 300 ग्राम ली है। इसे अच्छे से मिला देंगे और इसे अब ढक्कन लगा के हम 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। तो ये देखिए, 2-3 मिनट हो गई है और हमारी शाही पनीर बनके रेडी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के लगभग केचप, और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम। आप फ्रेश क्रीम की जगह मलाई भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए चलाते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, हमारी शाही पनीर बनके रेडी हो गई है। अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लूंगी।